गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबश्रीन है। आज की क्लास में हम क्या जानेंगे, लेजर एंड ग्रुप को। जैसे लास्ट हमने क्या सीखा था कि मैनुअली हमने सीखा था लेजर और ग्रुप को कैसे हमने रिटर्न वर्क में किया था। अब टैली प्राइम अपने हम अपने ऐप में कैसे करेंगे वो सीखेंगे। जैसे आपको मैंने आपको बता दिया कि कंपनी कैसे क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट होने के बाद का प्रोसीजर अब मैं बता रही हूँ कि उसमें सबसे पहले आपको लेजर करना है। लेजर एंड ग्रुप का इसमें स्टेप होगा, आपको अपना टैली प्राइम ओपन करना है या फिर जो भी टैली आप यूज़ कर रहे हैं वो, उसको जो भी वर्जन यूज़ करना है आप उसे ओपन करेंगे। कंपनी क्रिएट करनी है, उसकी डिटेल्स आपको मैंने बता दिए क्या किस में क्या क्या भरना है। नहीं आया वो समझ में तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ शर्मा इंडस्ट्री की कंपनी हो रखी है, अब जैसे ये क्रिएट है, आप अगर क्रिएट पे जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा ग्रुप क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, करेंसी, वाउचर, स्टॉक, क्या क्रिएट क्या करना है आपको ये इसमें से बताना है। तो हमें क्या क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है अपनी कंपनी में कि मेरी कंपनी में कौन कौन कस्टमर है या कौन सप्लायर है, कौन डेटर है, कौन लाइबिलिटी है, ये सब। तो मैंने अगर मैं आपको हमने कहाँ करा था, हमने इसकी लिस्ट बनाई थी पूरी एंट्री के साथ। तो ये मेरे लेजर्स हैं और ये उनके ग्रुप हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नेम आएगा लेजर का, जैसे परचेज है, फर्स्ट हमारा लेजर क्या है, परचेज। तो परचेज लिखूंगी मैं, परचेज अकाउंट के बाद एंटर करना है। अब ये अंडर अंडर यानी कौन से ग्रुप में आएगा, तो हमारे किस ग्रुप में आएगा, परचेज के ग्रुप में आएगा। जैसे परचेज अकाउंट, यहाँ परचेज। अब ये टाइप्स ऑफ लेजर पूछे, डिस्काउंट है या इनवॉइस रेट, जैसे अभी नॉट एप्लीकेबल करते हैं। टैक्स वगैरह हमें कुछ नहीं भरना है, जीएसटी को भी नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल करना है, बैंक की भी कोई डिटेल नहीं देनी है, अगर है तो आप दे सकते हैं। जैसे एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये लेजर बन जाएगा। फिर ऐसे दूसरा बनाएंगे, ड्राइंग का है, ड्राइंग अकाउंट किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये हमारे। फिर उसका ड्राइंग का नेम आएगा कि मेलिंग एड्रेस क्या है, फिर उसका नेम और एड्रेस देना है हमें। जैसे कुछ को स्टेट कर लेंगे, कुछ को अंडर स्टेट, उसका फिर पिन कोड आएगा। उसके बाद रवि है, रवि का अकाउंट है,
आपका वो सैंडी डेटर में जा रहा है गैस। फिर यहाँ उसका एड्रेस आ जाएगा। विन रवि का भी बन गया। ऐसे हम सारे धीरे धीरे करके सारे अकाउंट लेजर्स को बना लेना है। बैंक का बैंक में जाएगा, यहाँ कुछ बैंक की डिटेल्स मांगेगा, अकाउंट नंबर, FIFC कोड, तो आपको भरना है। डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ एक्सेप्ट करा लेना है। यहाँ अकाउंट नंबर आएगा, FIFC कोड, मतलब जो आपसे पूछा था उसकी पूरी डिटेल भरनी है। डिटेल भरने के बाद एक्सेप्ट करा लेना है। मनोज है, मनोज किस में जाएगा? सैंडी डेट क्रेडिट में जाएगा। एक्सेप्ट, फिर उसका एड्रेस। देन सेल है, सेल अकाउंट को हम सेल में ही डालेंगे, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद सुरेश है, सुरेश का अकाउंट किस में आएगा? जैसे हम दे सकते सुरेश का अकाउंट डेटर में है, तो डेटर में डालेंगे। देन उसका एड्रेस डालना है। एक्सेप्ट, कंट्रोल ए करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम शॉर्टकट की समझ लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल का बनेगा। ये इनडायरेक्ट इनकम में आएगी आपकी। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर आपका फिक्स्ड एसेट में आएगा। देन एक्सेप्ट, सैलरी है, सैलरी आपकी इनडायरेक्ट इनकम में आएगी, एक्सपेंस में आएगी। फिर आपको एक्सेप्ट करा लेना है। देन उसके बाद लास्ट रेंट है, रेंट भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। एक्सेप्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने अपनी कंपनी बनाई थी, कंपनी कैसे बनाई थी वो भी मैंने बता दिया है।
लेजर्स कैसे क्रिएट करना है, गेट ऑफ टैली में जाके क्रिएट पे जाके आपको क्रिएट क्या करना है आपको वो सिलेक्ट करना है, देन आप क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।